हाय गाइस, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करूंगा फ्रॉम द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वुड यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज फॉर टू आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू बी द सेम और डिफरेंट? जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें सेम एलिमेंट के दो अलग अलग आइसोटोप्स दिए हैं और उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज को हमें कंपेयर करना है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे डिपेंड करती है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो अगर हमें किसी शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज डिस्कस्ड इन द फॉर्म ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आइसोटोप्स जो होते हैं सेम एलिमेंट के, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं दोनों में सेम होते हैं, और न्यूट्रल एटम में फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो जाते हैं। तो जब आप दो अलग अलग आइसोटोप्स को डिस्कस कर रहे हैं ऑफ द सेम एलिमेंट, तो उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं, आपकी शेल्स जो हैं वो भी सेम हैं, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो इंटरेक्शन है इट विल रिमेन द सेम। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट शुड बी द सेम। आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम होनी चाहिए फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।